आइए छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 के अंतर्गत पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें अति लघुतरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1, मेघ मल्लार किसे कहते हैं? उत्तर में देखिए, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग जो बादलों को आमंत्रित करता है। प्रश्न क्रमांक 2, पाठ के आधार पर बताइए कि तानसेन की गुरु बहन कौन है? उत्तर में देखें, तानसेन की गुरु बहन रूपा है। प्रश्न क्रमांक 3, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? उत्तर देखें, अकबर ने तानसेन से गलत गाने को कहा, जिसे स्वामी हरिदास सही सह गए। लघुत्तरी प्रश्न देखें, प्रश्न 4, पास के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघमल्लार गाना क्यों आवश्यक है? उत्तर में देखें, क्योंकि दीपक राग शरीर में आग उत्पन्न करता था, तो मेघमल्लार प्राणों की रक्षा करता था। प्रश्न 5, स्वामी हरिदास ने अकबर को कैसे पहचान लिया? उत्तर देखें, स्वामी हरिदास ने अकबर को आँखों से इशारा करते हुए देख लिया था। प्रश्न 6 देखें, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? उत्तर देखें, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा है क्योंकि वे अंदर की बात मन के भाव समझ जाते थे। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखें, प्रश्न क्रमांक 7, पाठ के आधार पर तानसेन का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। उत्तर में देखेंगे, तानसेन का असली नाम राम तनु था। इनका जन्म ग्वालियर एमपी में हुआ था। यह हिंदू धर्म के थे। इनका पेशा गायन था। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बचपन में तानसेन पक्षियों और जानवरों की पूरी तरह से नकल कर सकते थे। तानसेन में दीपक राग और मेघमल्लार राग जैसे गायन की काबिलियत थी, इसलिए आगे के मूल्यांकन में देखें, 6 अति लघुत्तरी, स्वामी हरिदास ने समाज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? इसका उत्तर देखें, संगीत की शिक्षा से। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 9, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है? तानसेन अकबर की खुशी के लिए गीत गाते थे, जबकि स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखें, तानसेन पर प्राणों का संकट क्यों आ गया था? तानसेन पर प्राणों का संकट इसलिए आ गया था क्योंकि अकबर ने उन्हें दीपक राग सुनाने की बात कही थी जो शरीर में आग पैदा करता है। अगर वे दीपक राग गाते तो वे जलकर भस्म हो जाते। इस प्रकार हमारा संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास पाठ का अभ्यास संपन्न हुआ। आगे के पाठों का अभ्यास करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।